नमस्कार, मैं हूं शिवानी। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। भारतीय महिला हॉकी टीम कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल की रेस से बाहर हो चुके हैं। वीरेंद्र सहवाग ने ट्वीट कर लिखा कि चूंकि भारत अभी हॉकी में सुपर पावर नहीं है, इसलिए घड़ी खराब हुई थी। जब भारत सुपर पावर बनेगा तो घड़ी सही समय पर चलेगी। जनता दल यूनाइटेड जदयू को अब मणिपुर में राज्य पार्टी का दर्जा मिल गया है। इस दिशा में पार्टी ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है, इससे पूरी पार्टी में खुशी की लहर है। जदयू की ओर से आधिकारिक तौर पर जानकारी भी दी गई है। भारत में कोरोना संक्रमण के मामलों में उतार चढ़ाव का दौर जारी है। देश भर से आज संक्रमण के 19,000 से ज्यादा नए केस सामने आए हैं। आंकड़ों के मुताबिक बीते शुक्रवार को 19,406 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जबकि इस अवधि के दौरान संक्रमण से 19,928 लोग ठीक भी हुए हैं। वहीं एक्टिव केस की संख्या में भी गिरावट देखी गई है। 8 अगस्त को पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक होने वाली है। इसके लिए सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को दिल्ली बुलाया गया है, लेकिन सीएम नीतीश कोरोना का हवाला देते हुए ये कह दिया है कि वे अभी कोरोना से उभरे हैं, इसलिए इस बैठक में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद चले जाएंगे। हालांकि उनसे स्पष्ट तौर पर ये कहा गया कि इस बैठक में केवल मुख्यमंत्री को ही शामिल होना है। अभिनेता विजय देवरकोंडा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म लाइगर का प्रमोशन में व्यस्त हैं। वो पटना पहुंचे, जहां उन्होंने लोकप्रिय ग्रेजुएट चाय वाले के स्टॉल पर पहुंच सुबह की चाय की चुस्की लेते हुए देखा गया। प्रियंका गुप्ता, जो ग्रेजुएट चाय वाले के नाम से चाय की दुकान चलाती, उन्होंने शायद ही कभी सोचा होगा कि सुपरस्टार विजय देवरकोंडा उनकी टी स्टॉल पर पहुंचेंगे। भारत की आज़ादी के 75 साल के सफर में हासिल की गई अहम उपलब्धियों को समेटते हुए गूगल ने एक ऑनलाइन परियोजना शुरू की है, जिसमें समृद्ध अभिलेखागार और कलात्मक चित्रण के जरिए देश की कहानी बयां की गई है। गूगल आर्ट्स एंड कल्चर द्वारा शुरू की गई परियोजना इंडिया की उड़ान देश की उपलब्धियों का जश्न मनाती है, और यह इन 75 वर्षों में भारत की अटूट और अमर भावना पर आधारित है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर रहते हुए आरसीपी सिंह ने जो संपत्ति अर्जित की है, उसके बारे में उनका क्या पक्ष है। पार्टी यह जानना चाहती है, जब तक उनकी तरफ से सफाई नहीं आती है, पार्टी अगला कदम के लिए इंतजार करेगी। IRCTC द्वारा संचालित अहमदाबाद मुंबई तेजस और लखनऊ दिल्ली तेजस ट्रेनों की हालत खस्ता बनी हुई है। रेल मंत्रालय के अनुसार ये दोनों ट्रेनें हर साल जबरदस्त घाटे में आ रही है। यह घाटा इतना है कि तेजस ट्रेनों का संचालन जब से शुरू हुआ है, तब से ये ट्रेनें 15 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान झेल रही है। RBI ने रेपो रेट बढ़ाने के अगले ही बाजार पर इसका असर दिखने लगा है। RBI ने शुक्रवार को रेपो रेट 4.9 अंकों से बढ़ाकर 5.4 अंक कर दिया था। उसके अगले ही दिन देश के निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक ICICI बैंक ने लोन पर ब्याज दरों को बढ़ाने का फैसला ले लिया। ICICI बैंक के अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने भी कर्ज की दर बढ़ाने की घोषणा की है। देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक SBI ने अपने तिमाही नतीजे जारी कर दिए हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में एकल आधार पर शुद्ध लाभ 7% कम हो गया है। 7% की गिरावट के बाद शुद्ध लाभ घटकर 6,069 करोड़ रुपए रहा है। आय घटने से बैंक का लाभ भी कम हुआ है। मई 2020 में पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पास भारतीय सेना और चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी के जवानों के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद दोनों देशों के बीच शुरू गतिरोध अभी भी पूरी तरह से खत्म नहीं हो सका है। इस बीच विवादित मसलों के समाधान के लिए कूटनीतिक समेत सैन्य कमांडर स्तर की कई दौर की बातचीत भी हो चुकी है। पिछले साल टीवी इंडस्ट्री में उथल पुथल मच गई, जब सबको पता चला कि इंडस्ट्री के पॉपुलर कपल निशा रावल और करण मेहरा की शादीशुदा लाइफ में कड़वाहट पैदा हो गई है। एक्टर ने कहा कि मैं तब तक केस लड़ूंगा जब तक मेरे बेटे की कस्टडी नहीं मिल जाती। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राजधानी दिल्ली समेत 7 राज्यों को पत्र लिखा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, ओडिशा, तमिलनाडु और तेलंगाना को पत्र लिखकर टीकाकरण की गति बढ़ाने और कोरोना के खिलाफ व्यवहार का पालन करने की सलाह दी है। अपने फ्लैट में करोड़ों रुपये का खजाना लेकर बैठी अर्पिता मुखर्जी को ज्वेलरी का भी काफी शौक था। ईडी ने 4,31,00,000 रुपए के जेवर बरामद किए हैं। 11 सोने की चूड़ियां, 9 छोटे हार, 4 बड़े हार, 5 अंगूठियां, 1 सोने की कलम, 7 सोने की चेन, 6 सोने की मोती बरामद किए गए हैं। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मतदान शनिवार सुबह 10 बजे से शुरू हुआ और यह शाम 5 बजे तक खत्म हो गया है। उपराष्ट्रपति चुनाव में मुकाबला राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ और विपक्ष के संयुक्त उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के बीच है। सबसे पहले वोट डालने वालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व PM मनमोहन सिंह और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल थे।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने पाकिस्तान में उत्पीड़न का शिकार हुए और 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले भारत आए अल्पसंख्यकों के लिए देश में चिकित्सक के रूप में सेवाएं देने का रास्ता खोल दिया है। एनएमसी ने ऐसे लोगों के आवेदन आमंत्रित किए हैं जिन्होंने आधुनिक चिकित्सा या एलोपैथी के क्षेत्र में काम करने के वास्ते अस्थायी पंजीकरण कराने के लिए भारतीय नागरिकता हासिल की है। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 अगस्त को भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत के डिजिटलीकरण से आम लोगों को अपने घरों में आराम से न्याय प्राप्त करने में सुविधा होगी। देश भर की विभिन्न अदालतों में बढ़ते मामले को देखते हुए यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। प्रवर्तन निदेशालय नेशनल हेराल्ड मामले में कथित मनी लॉन्ड्रिंग की जांच को लेकर कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से लगातार पूछताछ कर रही है। उसके ऑफिस को भी सील कर दिया गया है। इस बीच खबर है कि प्रवर्तन निदेशालय एक बार फिर से सोनिया और राहुल गांधी से पूछताछ की तैयारी कर रहा है। ऑटोमोबाइल कंपनियों का कहना है कि 6 एयरबैग की पॉलिसी से छोटी गाड़ियों की कीमतें बढ़ सकती हैं। नितिन गडकरी ने कहा कि एक एयरबैग की कीमत सिर्फ 800 रुपये है। 6 एयरबैग के प्रस्ताव पर सरकार विचार कर रही है। भारत सरकार ने ये फैसला लिया है कि अब गाड़ियों में सभी पैसेंजर के लिए एयरबैग्स का नियम लागू करेगी। हर कोई 5G सर्विस के लॉन्च होने का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कुछ रिपोर्ट में कहा जा रहा था कि 15 अगस्त को 5G सर्विस भारत में लॉन्च होगी, लेकिन एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार 29 सितंबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2022 के उद्घाटन के अवसर पर 5G सर्विस के भारत में आधिकारिक तौर पर लॉन्च होने की उम्मीद है। प्रभु श्री राम की कर्मभूमि चित्रकूट से उनकी जन्मभूमि अयोध्या तक का सफर श्रद्धालुओं के लिए अब आसान हो गया है। चित्रकूट से अयोध्या तक के लिए आज जनरथ बस सेवा की शुरुआत हुई। मंडलायुक्त आरपी सिंह ने विधिवत पूजा अर्चना और फीता काटने के बाद बस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सुषमा स्वराज ने आखिरी ट्वीट प्रधानमंत्री को लेकर लिखा था। उन्होंने लिखा था कि प्रधानमंत्री जी आपका अभिनंदन, मैं अपने जीवन में इस दिन को देखने की प्रतीक्षा कर रही थी। आपको बता दें कि 5 अगस्त 2019 को जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटा लिया गया था, जिसके बाद उन्होंने ये खुशी जाहिर की थी। वहीं 5 अगस्त को अमित शाह को बधाई दिया था। टेलीकॉम मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीएसएनएल के कर्मचारियों का अल्टीमेटम जारी किया है और कहा है कि अगर आप उम्मीदों के मुताबिक काम नहीं कर सकते हैं तो घर के लिए पैकअप कर ले। ऐसे कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि सरकारी रवैया छोड़ दें, क्योंकि जो लोग उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त करने और घर पैकिंग के लिए मजबूर किया जाएगा। एक ट्वीट में राहुल गांधी ने केंद्र पर हमला बोलते हुए कहा कि सच्चाई को बैरिकेड नहीं किया जा सकता है, कर ले जो करना है, मैं प्रधानमंत्री से नहीं डरता, मैं हमेशा देश हित में काम करता रहूंगा, सुन लो और समझ लो। कॉमनवेल्थ गेम्स के 9वें दिन भारत ने पहला मेडल जीत लिया है। प्रियंका गोस्वामी ने 10 किलोमीटर के पैदल वॉक में सिल्वर मेडल हासिल किया। उन्होंने 43.38 मिनट में अपनी रेस पूरी की और सिल्वर मेडल जीता। ऑस्ट्रेलिया की जेमिमा ने 42.34 मिनट का समय निकालकर स्वर्ण पदक पर कब्जा किया। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की फिल्म रक्षाबंधन जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है। इससे पहले फिल्म की पूरी टीम प्रमोशन में जोर शोर से लगी हुई है। उनका एक वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है जिसमें खिलाड़ी कुमार अपनी ऑन स्क्रीन बहनों के साथ फ्लाइट में लूडो खेलते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी के नेता और रेलवे पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन और उनके बेटों पर गृहमंत्री अमित शाह के नाम पर 2 करोड़ की ठगी करने का आरोप लगा है। यह आरोप मुंबई के एक होटल कारोबारी ने लगाया है कि बीजेपी नेता और रेलवे पैसेंजर सर्विस कमेटी के चेयरमैन रमेश चंद्र रत्ना और उनके बेटे ब्रिजेश रत्ना ने रेलवे के अलावा कई और प्रोजेक्ट दिलवाने के नाम पर उनसे 100 करोड़ की डील की और 2 करोड़ रुपये एडवांस ले लिए। बाद में पता चला कि उनके साथ ठगी हुई है। दिल्ली पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है। ब्रिजेश सिंह के बाहर आने पर अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे याद आ रहा है कि वाराणसी के लोग बताते थे सरकार के लोग उनके साथ वाराणसी जेल में 3-3 घंटे बैठते थे। उनका बाहर आना तो स्वाभाविक है, ये कोर्ट का फैसला है और कोर्ट का फैसला तो सबको मानना ही पड़ेगा। ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि वर्तमान में सिर्फ ओमिक्रोन और इसके सब वेरिएंट ही देश में संक्रमण की बढ़ोतरी का कारण है। हम हर हफ्ते डेटा की समीक्षा करते हैं, लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है क्योंकि मरीज अस्पताल में कम भर्ती हो रहे हैं और अब तक कोई नया वेरिएंट भी नहीं मिला है।
बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर दिया था। जिन्होंने पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है दीपक कुमार, भान प्रकाश मौर्य, बबलू दास, जितेंद्र ठाकुर, निशा और नौशाद। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 13 अगस्त को भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, सरकार के इस पहल पर आप क्या कहना चाहेंगे? अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।